हेलो मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट क्रीम बिस्किट के बहुत ही टेस्टी केक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बिस्किट के सारे क्रीम निकाल के रख लेते हैं ताकि आगे चल के हम केक का डेकोरेटिंग कर सके। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध और इसे अच्छे से मिला के एक बढ़िया सा बैटर बना लेना है, बिल्कुल क्रीमी बैटर। अब हम बर्तन में अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे ताकि केक चिपके ना। फिर हम इसमें डाल लेंगे इनो। इनो में अब हम डाल लेंगे दूध और इसे मिला लेंगे। आपको हल्का मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब हम तैयार किए हुए बैटर को बर्तन में डाल लेते हैं। इसे टैप कर ले 4 से 5 बार। कुकर में हम डाल लेंगे नमक और इसे अच्छे से फैला देंगे। फिर हम रख लेंगे कटोरी, अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप वो रख सकते हो। अब हम इसकी सीटी और रबड़ निकाल के इसे 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर लेंगे। दस मिनट फ्री हीट देने के बाद अब हम इसमें केक वाला बर्तन रख लेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो मुझे इसे पकाने में 30 मिनट लग गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हम एक चाकू की मदद से इसे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी है। चाकू में एक ज़रा सा भी नहीं चिपका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना क्रीम को डेकोरेट करने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो हम क्रीम को मेल्ट करने के लिए मिल्क ले लेंगे। ये एकदम बॉयल मिल्क है ताकि ये मेल्ट हो पाए। हमारा क्रीम बिल्कुल रेडी है डेकोरेटिंग के लिए। अब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो, हमारा केक बिल्कुल मुलायम लग रहा है। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने केक को डेकोरेट कर लेते हैं। हमारा केक डेकोरेट हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रख लेते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ऊपर का क्रीम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, अब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। चलिए अब हम इसे काट के चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है, कितना मुलायम लग रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत डिलीशियस है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।